नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं आज जगत की बड़ी खबरों पर। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम पर सरकार का यू टर्न, विरोध के बाद सिस्टम पर पुनर्विचार करेगा रेल मंत्रालय। सिस्टम के तहत रेलवे ने 500 करोड़ कमाने का रखा है लक्ष्य। राजधानी दुरंतो और शताब्दी में आज से लागू हुआ फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। विजय माल्या भारत आने को है तैयार। माल्या के वकील ने कहा, माल्या आना चाहते हैं भारत, लेकिन पासपोर्ट रद्द होने की वजह से ये संभव नहीं। पटियाला कोर्ट में माल्या पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को। माल्या पर है बैंकों का 9000 करोड़ का कर्ज। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा ने मिलाया ओला कंपनी से हाथ। करार के तहत महिंद्रा अगले 2 सालों में ओला को बेचेगा करीब 40,000 गाड़ियां। समझौते के तहत 2600 करोड़ से ज्यादा के वाहनों की बिक्री और फाइनेंसिंग को रखा गया है लक्ष्य। सॉफ्टवेयर रोबोट से काम कराने वाला ICICI बना देश का पहला बैंक। 200 व्यापार प्रक्रियाओं को रोबोट के हिसाब से किया गया रीडिजाइन। बैंक ने वित्त वर्ष के अंत तक सॉफ्टवेयर रोबोट की संख्या दोगुनी करने का किया फैसला। सोने और चांदी में गिरावट। सोना 150 रुपए गिरकर 31,150 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 850 रुपए फिसलकर 46,150 रुपए प्रति किलोग्राम। आइए एक नजर डालते हैं शेयर बाजार की हलचल पर। शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 248 अंकों की गिरावट के साथ 28,797 के करीब बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स 29,063 तक उछला और 28,755 तक गिरा। निफ्टी में आज करीब 46 अंकों की गिरावट देखी गई। 46 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 8,867 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी 8,939 तक उछला और 8,859 तक लुढ़का। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों की बात करें तो आज इनमें भी गिरावट देखी गई। मिड कैप 134 अंकों की गिरावट के साथ 13,345 पर बंद हुआ। स्मॉल कैप 61 अंकों की गिरावट के साथ 12,861 पर बंद हुआ। BSE के 19 में से 5 सेक्टरों में तेजी रही, जबकि 14 सेक्टरों में आज गिरावट देखी गई। आज जगत की खबरों में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।